लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने सिडको द्वारा विकसित किए जा रहे नवी मुंबई मेट्रो को डायनामिक क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है। इससे बेलापुर से पेंधर के बीच 5 किलोमीटर में बनकर तैयार मेट्रो लाइन को चलाने का रास्ता साफ हो गया है। हाल ही में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO की निगरानी में नवी मुंबई मेट्रो का ऑसिलेशन परीक्षण किया गया था, जिसके बाद विद्युतीकरण के लिए यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। केंद्रीय दूरसंचार अधिकारियों ने मेट्रो स्टेशन 1 से 10 तक का निरीक्षण करने के बाद यह डायनामिक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया। सिडको के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संजय मुखर्जी ने बताया कि सेफ्टी केस प्रमाण पत्र और डायनामिक क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त होने से अब नवी मुंबई मेट्रो के परिचालन की सभी बाधाएँ दूर हो गई हैं। अगले चरण में मेट्रो सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में कमर्शियल परिचालन परीक्षण होने वाला है, जिसके बाद नवी मुंबई में मेट्रो यात्रियों के साथ दौड़ने लगेगी। जाहिर है सिडको MD डॉक्टर संजय मुखर्जी जिस तरह नवी मुंबई मेट्रो के शीघ्र परिचालन के लिए प्रयासरत हैं, उससे अगले साल के मध्य तक मेट्रो की शुरुआत होने की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।